इंडिया में बसा है एक ऐसा शहर जिसे द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वागत करता हूँ आपका भारत के स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। रेगिस्तान से घिरा हुआ ये शहर इसकी खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत मशहूर है। जैसलमेर जाना जाता है वहाँ के लिविंग फोर्ट्स, कैमल राइड्स और डेजर्ट सफारी के लिए। तो चलिए एक्सपीरियंस करते हैं इस जैसलमेर के शहर को विथ नोमैडिक सोलमेट्स। वेलकम टू रोमांटिक सोलमेट्स। मैं हूं कंचन और मैं हूं एती एंड दिस इज जैसलमेर फॉर यू। सो हाउ टू रीच जैसलमेर? फर्स्ट ऑप्शन इज बाई रेलवेज। जैसलमेर पहुंचने के लिए दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, मुंबई और अहमदाबाद से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज बाई एयरवेज, बट जोधपुर इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट जहां से जैसलमेर लगभग 265 किलोमीटर में गिरता है। एंड थर्ड ऑप्शन है इज बाई रोडवेज, जो एक काफी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रेवल भी है। सो दीज आर द प्लेसेस यू शुड विजिट इन जैसलमेर। डे वन की शुरुआत आप कर सकते हो सैम ड्यून से, जहां जाते वक्त आपको राजस्थान की एक बेहतरीन बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी। और देखते ही देखते हम पहुंच गए सैम ड्यून्स। वेलकम टू थार डेजर्ट। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर टू स्टे एट जैसलमेर? स्कैम स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। रास्ते पे एक ही होटल आपको डिफरेंट प्राइस में हो जाएगा। झूठ बोलने वाले नहीं है, जो चीज बोलेंगे उसमें कोई कमी हो तो मेरे को बोलते। और ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि कोई भी अगर आपको रास्ते से रोक के बोले कि मैं आपको दिला दूंगा होटल में इतने में, मत विश्वास करना। डायरेक्ट आप जाना कैंप पे, डायरेक्ट कैंप में ओनर से बात करना और उनसे नेगोशिएट करना। वेल, सो आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम वी फाइनली डिसाइडेड टू स्टे हेयर एट डेजर्ट सफारी जंक्शन विच इज़ लोकेटेड नियर सैम ड्यून्स। एंड यहाँ पर दो टाइप के स्टेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। फर्स्ट इज कॉटेज, जिसमें आप एसी में रह सकते हो। एंड सेकंड इज दीज टाइप्स ऑफ टेंट्स, जिसमें एसी की फैसिलिटी तो नहीं है बट यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर दिस फैसिलिटी, एंड जो कि काफ़ी अफोर्डेबल भी है। नॉन एसी कैंप्स आर एट प्राइस ऑफ 800, विच इंक्लूड्स स्टे, ब्रेकफास्ट, लंच, कैमल सफारी, जीप सफारी एंड द कल्चरल प्रोग्राम। एसी में बस ये डिफरेंस है कि बस एसी है और वो कॉटेज है, एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से। सो लेट्स गो। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज जीप सफारी से, फॉलोड अप बाय कैमल सफारी, एंड उसके बाद यहाँ के कल्चरल इवेंट को एक्सपीरियंस करने। सो वी आर प्रीटी मच एक्साइटेड अबाउट दिस। आर यू गाइस आल्सो एक्साइटेड? अगर आप जैसलमेर आ रहे हो देन सैम ड्यून्स में जीप सफारी को जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि इट विल बी एन वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डेजर्ट में आपको जीप सफारी के अलावा भी एटीवी राइड और कैमल की सवारी मिल जाएगी। हमारे पैकेज में कैमल राइड भी इंक्लूडेड था। वीडियो में दिखाए गए पैकेजेस सीजन टू सीजन वैरी करते हैं, तो जाने से पहले एक बार जरूर रिसर्च कर ले। So the best time to visit Jaisalmer is from October to February. इस कैमल सफारी के साथ हमने डेजर्ट के बीचों बीच एक बेहतरीन सनसेट को भी एंजॉय किया। कैंप साइट पहुँच कर आपको कुछ इस तरीके से स्वागत किया जाता है फॉर द कल्चरल प्रोग्राम।
खम्मगड़ी नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर डे ऑफ आवर राजस्थान सीरीज। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान में जैसलमेर फोर्ट को। आसपास में हम लोगों ने कुछ ऐसे जगहों को इंक्लूड किया है जिसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। डे टू में हम निकल पड़ते हैं बड़ा बाग की ओर। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बड़ा बाग में। बड़ा बाग जिसे व्यास छत्री के नाम से भी जाना जाता है फेमस है यहाँ के सेनोटेप्स के लिए जिसे छत्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि 16 सेंचुरी में यहाँ पे 70 कुएं और एक डैम भी हुआ करता था जिसे जैत सिंह टू ने बनवाया था। और उसके बाद शुरू हुई एक परंपरा जहाँ पे जैसलमेर और उसके आसपास के महारावल और उनके पत्नियों की जब मृत्यु होती थी तो इस शमशान घाट में छत्रियां बनवाई जाती थी एज ए मेमोरियल। पर आज ये जगह आप मात्र 150 रुपीस में घूम सकते हो। तो इस सफर में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं जैसलमेर फोर्ट, जो भारत का एकमात्र जीवित किला है क्योंकि आज भी इस किले के अंदर लोग रहते हैं। बाय द वे, अभी तक अगर आपने नोमैडिक सोलमेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। ये फोर्ट येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है जिसमें जब सूरज की रोशनी गिरती है तो वो सोने जैसा चमकता है और इसी वजह से इसे सोनार किला भी कहा जाता है। इस किले के अंदर पूरा मार्केट है, यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो, प्राइसेस आर आल्सो रीजनेबल। तो चलिए चलते हैं जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम के अंदर। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपीस का टिकट काटना पड़ेगा और आप यहाँ पे और 200 रुपीस देकर एक गाइड भी हायर कर सकते हो जो आपको इस किले के बारे में थोड़ी और जानकारी देगी। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ जैसलमेर फोर्ट के अंदर। यहाँ का जो पहला राजा था जिसका नाम था महारावल जैसल, जैसल राजा का नाम था मीर माउंटी, पहाड़ों के थे मेरू और राजा का नाम जैसल, तो जैसल मीर। आज भी हमारे राजा हैं जो 44th generation जो अभी इसमें जो टिकट आपने दिया है 200 रुपीज़ पर पर्सन, ये अभी जो राजा है वर्तमान उनके पास जाएगा। ये प्राइवेट किला है और किले के अंदर 4000 लोग रहते हैं, ब्राह्मीण और राजपूत। इस म्यूजियम के अंदर आपको जैसलमेर की हिस्ट्री के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेगी। ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही है, ये जो आप देख रहे हो पूरा किला ही, ये लोग रहते हैं, देख रहे हो होटल कैफे, ये किले का ही भाग है। उधर पेड़ पीछे आप देखो गड़ीसर झील है। अगर मैं चश्मा खोल के सिटी को देख रहा हूँ ना तो मेरे आँख भी नहीं खोल पा रहा हूँ। जैसलमेर किला पूरा, आपको लगा इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप नहीं है, सिर्फ जैसलमेर किला। पूरे किले के अंदर आप यहाँ से आए हो, यही से बाहर जाना 1, 2, 3 और 4 गेट है। और फोर्ट के अंदर में भी आपको टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं दी गई है। ये रानी के रूम है, आमने सामने रानी रहती थी। इस तरफ पुराने फोटो है जैसलमेर सिटी के और इस तरफ नए फोटो है। ये राजा का महल शहर देखा, अभी अपन रानी के महल से घूम रहे हैं। ये रानी जो आपस में सामने सामने रहती थी, झगड़ते ही थे, सबके रूम अलग अलग होते थे, सबके रूम यहाँ नीचे भी थे, ऊपर थे, 16 रानी 17 रानी, राजा एक रूम से निकल के दूसरे रूम में घुसते थे। पहले 16, 17, 18, 21 रानी होती थी, अभी एक रानी 17 परेशान है। बात तो बिल्कुल सही है, ये चीज नोट करना। इस किले से निकलकर हम एक बाइक रेंट करते हैं मात्र 500 रुपीस में। चले गड़ी से लेक।
ये लेक राजा जैसल द्वारा बनाया गया था ताकि जैसलमेर के लोगों को पानी की समस्या ना हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टू कैच द सनसेट एट वेरी लेट्स गो, देखते हैं कैसा व्यू मिलता है। आप इस लेक में बोटिंग करते हुए एक बेहतरीन सनराइज और सनसेट का आनंद ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, नीचे कमेंट और अपने फैमिली तक ये वीडियो जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रैवल लाइक ए नोमैड एंड बी नोमैडिक।